bit of shit, put a little bit of shit, put a. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma. बस से उतरा और मैं इधर दोस्त के घर जा रहा हूँ जो कि इधर साथ वाले बिल्डिंग में है, बड़ा उधर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाला बिल्डिंग में रहता है। और देखते हैं आगे क्या बनता है। कुछ अलग सा सिस्टम होता है। जब घर में जाती हो तो उसका एक अलग कोड होता है घर का, जिसकी वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता। एंड फिर आपने फिर लेफ्ट में जाना है और बहुत मरला बिल्डिंग है, 15 मरला है और हर एक मरले में ये कुछ 10 घर है, तो कम से कम 150 घर तो होंगे इसमें। खैर ये तो मैं निकला वैसे टाइम पास करने के लिए इधर बाहर के। आपको लोगों को बाहर का दिखाओ नज़ारा। मैं साइकिल पे हूँ। ज़्यादातर लोग दोपहर को मतलब दोपहर जब ख़त्म होती है, सूरज डूब होने वाला होता है, तो ज़्यादातर लोग साइकिल पर होते हैं और साइकिलिंग करते हैं। ये पता नहीं क्यों अंग्रेज़ों की निशानी है, तो ज़्यादातर लोग यही करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लोग देख सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा लोग मतलब इतने भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। आगे आपको पता चल जाएगा। एंड फिर उधर से मैं देखता हूँ कि आगे क्या बनता है। इसलिए मुझे एक दोस्त के घर जाना है, मेरा थोड़ा काम है उधर। गाड़ी में ये बहुत ऊंचाई थी। ये ज़्यादातर ये लोग साइकिलों पे बहुत घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों। खैर हमने भी साइकिल लिया है घूमने के लिए। तो ये सिटी है, what I find in the road। मैं साइकिल ड्राइविंग कर रहा था तो मुझे दिखी। दिखाता हूँ, इधर एक जगह है। आप लोग देख सकते हैं। पार्क में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और अभी लॉकडाउन चल रही है तो इस वजह से इतना नहीं है, लेकिन ईगल है और एक बड़ी स्टैचू है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। और इसके उधर साइड पे आते हैं जिधर बेंच हर जगह पे लगी हुई है और बीच में ये फुवारे चलते हैं, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। बहुत बड़ी मज़े की जगह है और ये बहुत बड़ी पार्क है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। क्योंकि अभी उधर उस साइड पे बारिश हो रही है उस साइड पे, तो इधर उस साइड पे भी बर्फ़ आने मतलब वो बादल आने वाले हैं, तो अभी शायद बर्फ़बारी भी हो जाए आज इधर पोलैंड में। सबसे बड़ा मसला यही है कि एक दिन में भी इवन 3 सीज़न आ सकते हैं, जैसे कि गर्मी हो जाती है सुबह से दोपहर तक, उसके बाद दोपहर के बाद अभी हवा चल रही है तो उसके बाद हवा चलती है, उसके बाद बारिश भी हो जाती है 1-2 घंटे, उसके बाद फिर से वही सीज़न शुरू हो जाता है गर्मी नॉर्मल। तो ये इधर बहुत है होता है ज़्यादातर पेंटिंग लगे होते हैं, ये ओरिजिनल पेंटिंग है और साथ में ये इधर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें जितनी भी पेंटिंग लगे होते हैं ये सब बहुत महंगे लगे होते जीसस के और उसके अलावा नॉर्मल पेंटर के इवन ऑर्गेनाइजेशन के लगे हुए थे। तो ये बहुत ओरिजिनल पेंटिंग किया है और उसके अलावा ये पार्क भी बहुत फेमस है, इधर बहुत लोग आते हैं ज़्यादातर नॉर्मल ट्रेने वो इंजॉय करने के लिए, फिर थोड़ा सा कैंप बिठा के फिर वापस चले जाते हैं। फिर जो साइकिलों वाली स्ट्रीट है ये भी मैं साइकिल की स्ट्रीट कर रहा, तो इससे आप देख सकते हो एक लाइन पे बहुत ज़्यादा दरख्त है और ये देख उधर उसके साथ में लाइब्रेरी जैसी जगह है, ये बैटरी है और पेंटिंग की वो है म्यूज़ियम है, आप लोग पेंटिंग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। मैं आपको अभी पेंटिंग दिखाता हूँ कि इधर की जो पेंटिंग लगे होते हैं ये आप देख सकते हो। एक होता है ऑयल पेंटिंग, ये वही लगी होती है, आप लोग देख सकते हो लाइन में बहुत ज़्यादा पेंटिंग लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जगह शुरू हो जाती है वो एक ब्रिज है जो कि नीचे गाड़ियाँ चलती है, ऊपर जगह है, बाद में आगे फिर से वही पार्क शुरू हो जाता है। तो उस बहुत बड़ी मस्जिद की जगह है, उधर बहुत लोग खड़े होते हैं पिक्चर खिंचवाते वगैरह, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन ये अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये इधर में ये अभी स्टील पेंटिंग है, कबूतर है, बतख है, आप लोग देख सकते हो कितने प्यारी प्यारी परिंदे हैं। पता नहीं मुझे इसका नाम तो नहीं आता, लेकिन बहुत प्यारी परिंदे। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ये नीचे जगह जाती है और आइसक्रीम शॉप उसके साथ है, बच्चे इधर आते हैं आइसक्रीम वगैरह मम्मी को होते 2 रुपये वाली मलाई दे दे। इधर की जो औरतें होती हैं वो हमारी कंट्री की नहीं होती कि बच्चा कहे हाँ 2 रुपये वाली आइसक्रीम, और माँ चप्पल हाथ में लेके कहती है नहीं अभी तो नहीं है इधर वो निज़ाम नहीं है। आप लोग नीचे और इधर बहुत ज़्यादा लोग वो आते हैं टूरिस्ट वगैरह, लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी बारिश 1 घंटे पहले बारिश थी इस वजह से अभी बादल भी उधर। तो इधर भी जितने पार्क वगैरह होते हैं उसके करीब ये नॉर्मल साइकिलें हैं, इसमें इलेक्ट्रिक भी होती है, लेकिन जो बाकी साइकिल है वो पीछे आप देख सकते छोटी छोटी साइकिल है जो बच्चों के लिए भी है, तो ये इलेक्ट्रिक होती है, इसमें सिर्फ कार्ड स्वाइप करना होता है और उसके बाद ये 3 घंटे 4 घंटे जितने आप चला सकते हो चला दो, फिर उसके बाद उधर वाई वापस रख दो या किसी और जगह पर अगर इसकी वो है कहीं भी छोड़ सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये खुद ब खुद चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिक से, सोलर मतलब सूरज की वजह से खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ और रोज़ा है, मैं इतना तेज़ नहीं चला सकता, मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन ये जो जगह है मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसमें अभी इसके बाद फ्लावर पार्क हो जाता है शुरू। ये फ्लावर पार्क है, इसमें बहुत तरह तरह की किस्म की फ्लावर है। मैं आपको इधर से वैसे बताने शुरू, ये देख सकते हो, तो ये फ्लावर पार्क है। और अगर मुझे मौका मिला इसमें इधर मैं आऊँगा फिर से वो वीडियो बनाने। खैर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं तक गया हूँ, तो अभी मैं इधर आया हूँ। ये ओल्ड वो है तो टावर, इसके साथ करीब में कई मॉल है वगैरह, सिमसॉन्ग कंपनी है वगैरह। लेकिन जो ये ओल्ड टावर है इसमें सिनेमा है अंदर, और इसमें बस स्टॉप है, ट्रेन स्टॉप है, वो है स्टेशन। बाकी ये बहुत पुरानी इमारत है, बहुत बड़ी है। तो और इसमें लगभग मेरे ख्याल में 150 कितनी वो है। और इसके साथ ये जो जगह है ना गिरी हुई है, इसकी चारों तरफ वो है काफ़ी बड़ी बड़ी इमारत। ये देखिए इधर साइड पे मेरे ख्याल में सिनेमा है, दूसरी साइड पे ये जो है इधर वो है। ये जो बड़ी जगह है मुझे नहीं पता अंदर क्या है, शायद होटल वगैरह कुछ होगा। खैर लेकिन इसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है और आप देख सकते हो। बाकी